साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एमपीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ हमारे जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो जाग गए हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों ने एक पहल की है, एक विशाल आंदोलन रखा गया है और ये रखा गया है 17 मार्च को दोपहर 2 बजे से, जो स्थान है नेहरू स्टेडियम GPO आई बस स्टॉप के पास जो है इंदौर से, वहाँ से स्टार्ट होकर ये MPPSC के आयोग तक जाएगा। और ये इनका पंपलेट है, आप सभी ने ये पंपलेट संभवतः देखा होगा और नहीं देखा है तो आपको ये नीचे जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ चलिए इसके बारे में बात शुरू करूँ, उससे पहले आप एक ये जो है एक छोटा सा वीडियो है जो इन छात्रों ने तैयार किया है, कृपया उस वीडियो को देखें। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र बीती है किराए के मकानों में। लगातार कई वर्षों से मेरे जैसे हजारों छात्र घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे होते हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलतियों की वजह से कई योग्य छात्र एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो आइए मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें अन्याय के खिलाफ। भविष्य का सौदा करता है एक छात्र, कीमत क्या जाने। एक एग्जाम सही न करा सका वो जान की कीमत क्या जाने। सागर जिले से एक भाई, उज्जैन जिले से एक भाई और ना जाने हमारे कितने ऐसे भाई आयोग की गलतियों के भेंट चढ़ गए और अपनी जान गंवा दी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो आइए हम मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें अन्याय के खिलाफ। मुझे तो घर से बोलकर भेजा गया था कि बेटा 2 साल है तुम्हारे साथ, इसके बाद दूसरे घर जाना है तुम्हें। लेकिन लगातार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हो रही गड़बड़ी के कारण हर बार चयन से बाहर हो रही, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो आइए अपनी आवाज को बुलंद करें अन्याय की। अब कोई और न धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे हमसे, हमारी नींद छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश आयोग द्वारा कभी 16 प्रश्न, कभी 8 प्रश्न, कभी 5 प्रश्न, यहाँ तक कि 2008 में 40 प्रश्न तक हटा लिए गए, जिससे कई योग्य छात्र परीक्षा से बाहर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन? आखिर आयोग हमारे साथ ऐसा कब तक करेगा? तो आइए अपनी आवाज बुलंद करते हैं इस अन्याय के खिलाफ। यह आंदोलन इंदौर और भोपाल से प्रारंभ हो रहा है, आप भी इसे अपने जिले से समर्थन दीजिए और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाएं। तो आइए मिलकर आवाज बुलंद करें अन्याय के खिलाफ। हमारा स्थान 17 मार्च 2018 नेहरू स्टेडियम GPO चौराहे के पास 2 बजे से प्रारंभ हो रहा है। सत्यमेव जयते। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, बड़ा ही मार्मिक वीडियो है, इन्होंने जो अपनी बातें इसमें उठाई है यकीन मान के चलिए दिल को हिला देने वाली है। और ये मांगे ऐसी हैं, यदि इन पर विचार किया जाए, आप सब लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। अब मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी जो कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं, इसके अलावा ये यूट्यूबर्स हैं, उन सब से एक मार्मिक अपील करना चाहूँगा। अपील ये करना चाहूँगा सर, हम सब, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और एक शिक्षक हूँ और आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, एक शिक्षक हैं, हम सब के हाथों में इन छात्रों का भविष्य होता है। और अब ऐसे समय पर जब इन छात्रों को हमारी ज़रूरत है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन छात्रों की वजह से ही हमारा वजूद है। चाहे वो YouTube में हो, चाहे कोचिंग संस्थान में हो, सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों की वजह से ही हमारा वजूद है। हमारा उद्देश्य केवल इन छात्रों से पैसा लेना ही नहीं होना चाहिए, इन छात्रों के लिए खड़ा होना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि इनकी वाजिब मांगे पूरी हो सके। तो कोचिंग संचालक जो है इन ना सिर्फ सहयोग करें, देखिए क्या होगा, समर्थन करने की आवश्यकता नहीं, इनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। जो हिम्मत और जो दिल दिल्ली के SSC के टीचर्स ने दिखाया है, उसकी मांग यहाँ के छात्र आपसे कर रहे हैं, कृपया आगे आइएगा। यूट्यूबर से मेरा अनुरोध है, कृपया इन जो
जो आंदोलन हो रहा है इसको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकें। और मांगे क्या हैं, सबके सब जायज़ मांगे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। आखिर जो छात्र जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए था आज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, कारण क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, एक बार उस पर आप गौर करेंगे तो संभवतः चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा जो फाइनल आंसर की आप सभी को पता है जारी कर दी गई है। अब इसमें पाँच ऐसे प्रश्न हैं लेकिन मैं 3 प्रश्नों की यहाँ बात करूँगा। पहला कलिका प्राण वाला, कलिका प्राण के 2 उत्तर हैं, एक शाक्त धर्म भी है और एक जैन धर्म भी, जिसके आधार पर इसे डिलीट किया जाना चाहिए था लेकिन इस प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है और इसका उत्तर जो है जैन धर्म मान लिया गया है। दूसरा धूपगढ़ चोटी वाला यही प्रश्न जो है पिछली बार MPPSC के द्वारा पूछा गया था 2017 में, और उस समय इसका जो उत्तर दिया था सतपुड़ा श्रेणी, इसका उत्तर दिया गया था। इस बार जो ऑप्शन था महादेव जो है श्रेणी या महादेव रेंज, इसके ऑप्शन में था पिछली बार, जबकि वो नहीं था। लेकिन महादेव रेंज जैसी या महादेव श्रेणी जैसी हमारे यहाँ कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि महादेव एक पहाड़ी है, एक हिल है, ना कि श्रेणी। तो इस हिसाब से वो ऑप्शन गलत था। तो जो सही आंसर था वो था सतपुड़ा श्रेणी, लेकिन इस प्रश्न को गलत मानकर डिलीट कर दिया गया। वहीं SC ST नियम 1995 की बात करें तो ये प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न था जो पूरी तरह से सही था और इसको डिलीट किया गया। कई लोग इसमें ये कह रहे हैं क्योंकि नियम के अंतर्गत धारा नहीं होती है, नियम होते हैं, इसके आधार पर डिलीट किया गया है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ वो MPPSC की वेबसाइट पर जाएं, जो नई वेबसाइट है डेमो वेबसाइट के नाम से MPPSCdemo.com, उस पर आप जाएंगे और वहां से 2016 का पेपर डाउनलोड कीजिए या आपके पास पेपर होगा। उसमें सेट ए का क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, उसमें SC ST नियम 1995 से प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर था धारा 17। एक विधि और सतर्कता करके एक जो जिला सतर्कता निगरानी समिति बनाई जाती है उसके संबंध में था और उसका उत्तर धारा 17 था और इस आयोग के द्वारा उसको सही माना गया था। तो 1995 नियम के तहत धारा 18 को सही क्यों नहीं माना जा रहा है। चौथा NH3, तो सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके इस जो NH3 यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब नाम चेंज कर दिए गए हैं सारे के सारे जो नेशनल हाईवेज हैं। तो ये मतलब कुल ऐसे 4 प्रश्न हैं। अब इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है और इस प्रश्न को जो है परीक्षा में रखा गया है जबकि इसको डिलीट होना चाहिए था। यानी कि हुआ कुछ ऐसा कि जिनको डिलीट करना चाहिए था उन्हें डिलीट नहीं किया गया, जिनको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था उनको डिलीट किया गया है। अब इसके आधार पर होगा क्या, इसके आधार पर ये होगा कुल 4 प्रश्न ऐसे भी, इसके अलावा भी कुछ और छात्र हैं जिन पर आपत्ति लगा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए जहां ऐसी परीक्षा है एक एक प्रश्न पर हजारों हजार बच्चे बैठे होते हैं, अगर एक प्रश्न उन हजार बच्चों का सही हो जाए तो वो मेंस देंगे और नहीं होगा तो वो मेंस नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, इन गलत प्रश्नों को हटाने से, सही प्रश्नों को हटा देने से और गलत प्रश्नों को आंसर की में रखने से हजारों ऐसे छात्र होंगे जो मेंस के योग्य होंगे और वंचित हो जाएंगे, जबकि हजारों ऐसे तुक्के बाद छात्र भी होंगे जो मेंस के अयोग्य होंगे लेकिन जो है मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगे, तो उनके साथ सीधा सीधा ये अन्याय है। तो ये जो है 4 प्रश्नों के हल से ये वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, कई लोग ओवर एज हो जाते हैं, कई लोग फिर आशा ही छोड़ देते हैं, उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अभ्यर्थियों ने क्या मांगे रखी है उसको भी आप जरा देख लीजिएगा। अभ्यर्थी ने जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट मांग रखी है कि 100 के 100 प्रश्न सही हों, एक भी प्रश्न किसी भी कीमत पर डिलीट ना किया जाए, क्योंकि हमसे तो 100 प्रश्नों पर कट ऑफ रखा जाए, अदरवाइज जो है परीक्षा को इस तरह से सेट किया जाए, UPSC की तरफ पर किया जाए, UPSC भी तो करती है। प्रथम बार में ही आयोग जो है सही आंसर की जारी कर दे, फाइनल आंसर की में अगर बदलाव हो तो आयोग उस पर स्पष्टीकरण दे दे, क्योंकि कई बार आयोग जिन प्रश्नों को सही मानता है वो किस आधार पर माना गया है सही, उसके प्रमाण मिल जाने से जो छात्रों की शंका होती है वो समाप्त हो जाती है और आपत्ति लगाई जाए तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने की सुविधा हो ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहे। एक और ये जब बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है कि परीक्षा में टॉप करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को सार्वजनिक किया जाए ताकि अन्य अभ्यर्थी उसके अनुसार स्वयं का मूल्यांकन कर सके। ये कई बार हो सकता है कि मां कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए वर्तमान में जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं उसके उत्तर पुस्तिका जो टॉप के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं वो
जारी की जाती है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में भी ये चालू किया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे, आखिर उन लोगों ने किस तरह से उत्तर लिखे थे और फिर हमारी क्या कमी रह गई। तो ये एक अच्छा, और जब वहाँ किया जा सकता है तो मेरे हिसाब से यहाँ भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ती है तो परीक्षा पर जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है उससे पहले ही बढ़ा दी जाए, बाद में नहीं। होता क्या है, कई बार मुख्य परीक्षा जो इंटरव्यू होता है उस तक बढ़ाई जाती है पोस्टें। जैसा कि आप सभी को पता है, एक पोस्ट के विरुद्ध में मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना छात्रों को लिया जाता है। अब अगर इंटरव्यू के समय बढ़ा दी जाएगी तो उससे नुकसान ये होगा कि उससे जो 15 गुना छात्र बैठने थे, जिसे प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले बढ़ा देते हैं, 50-100 पोस्ट जैसे बढ़ाई जाती है, और तो अगर ये प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले बढ़ा दी जाती है तो 1500 लोग और हो जाएंगे जो मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अगर ये इंटरव्यू के समय बढ़ा दी जाती है तो उसमें किसी को फायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा परीक्षा में माइनस मार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि जो यूपीएससी का हमने जो है हमारा आयोग सिलेबस को कॉपी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से माइनस मार्किंग यहाँ होनी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी माइनस मार्किंग होती है, तो जिससे मेहनत करने वाले छात्र सफल होंगे तुक्के बाज पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के प्रश्न अधिक हो तय मात्रा में पूछे जाएं, तो ये भी एक, क्योंकि ये स्टेट पीएससी है उसके लिए। उसके अलावा व्यापम यानी पीबी के लिए भी एक मांग है, ये छात्रों इसके लिए भी कर रहे हैं कि एक एग्जाम जो है एक दिन हो, एक ही पेपर हो और एक ही कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, कई लोग उस पर तमाम प्रकार की आपत्तियां उठा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी नुकसानदायक है। तो ये अगर पीबी के पास व्यवस्था है, संसाधन है, तो वो ऑनलाइन करा ले, नहीं तो वो ऑफलाइन कराए, ताकि ट्रांसपेरेंसी कम से कम बनी रहे। अब यहाँ पर छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा, खासकर ये उन छात्रों से जो जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, और उन छात्रों से भी जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देखा है, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा, आप लोग सोशल मीडिया पे हो सकता है इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मेरे इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स भी करें कि काफ़ी सही है, लेकिन सिर्फ सही कह देने से और लाइक कर देने से काम नहीं चलेगा यार। आप लोगों को आपकी मांगों के लिए आना ही पड़ेगा। आप, ये आपकी मांगे हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, आप सब इसके ऊपर जानते हैं, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आप ये करें। दूसरा, जो वहाँ पर आएंगे प्रदर्शन के लिए, उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से इस आंदोलन को आप शांतिपूर्ण बनाएं, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी पद के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ या राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की अपशब्द ना कहे जाएं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादा में अपनी बात आप रखें, ताकि आयोग उस पर विचार करे। तो मेरा इन लोगों से ये निवेदन होगा। उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, उनसे भी मेरा एक विशेष निवेदन है। ये जो छात्र हैं, ये ऊपर जैसे कि आपने मांगे देखी होंगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो यकीन मानिए आपके भी बच्चे, आपके भी छोटे भाई कहीं ना कहीं इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और एक मानसिक प्रताड़ना में वो जी रहे हैं। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो ये उनके साथ भी एक है, तो इन बच्चों को भी अपना ही बच्चा समझकर इनकी मांगों पर एक बहुत सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, समय की मांग है। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिनांक 17 मार्च 2018, समय है दोपहर 2 बजे, और नेहरू स्टेडियम GPO आई बस स्टॉप के पास इंदौर, ये जो है पता है। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।